हमारे ग्रूमिंग मुकाबले के फिनाले में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स बचे हैं, सैरा और रे। कौन जीतेगा? इनके बीच ये आखिरी मुकाबला होगा। शुरू करते हैं, चलो। वैसे मुकाबला खत्म हो गया है और प्राइज जाता है, शुक्रिया, मुझे पता था ये मुझे ही मिलेगा, रे को। बधाई हो, तुम सबसे अच्छे ग्रूमर हो। ये रहा तुम्हारा मेडल और ट्रॉफी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शुक्रिया। हाँ, ये गलत है। बधाई हो, कप के लिए शुक्रिया। शो खत्म हुआ, फिर मिलेंगे। जी बॉस। उसे सबक सिखाना है। क्या मेरी बात समझ आई? रिची, गुड बॉय। लगता है खेलने के मूड में हो। जाओ बॉल पकड़ो, बहुत अच्छे। आउच, ये किसने किया? तुमने? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, डॉग। इसका मालिक तो नहीं देख रहा? बहुत बढ़िया। बॉल वापस चाहिए? जाओ ले लो, पकड़ लिया। पागल डॉग, मैं बहुत खतरनाक जीनियस हूँ। माफ करना, कोई बात नहीं। रिची, रिची, तुम कहाँ हो? रिची, मेरा पप कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। बॉस, मैंने कर दिखाया, हमने डॉग पकड़ लिया। मुझे देखना है। हाँ, बढ़िया, इसे भी बाकी सबके पास ले जाओ। आराम से बैठो पप, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हमने सभी डॉग्स को इकट्ठा कर लिया। मैं पक्का ग्रूमिंग मुकाबला जीतने वाली हूँ। मैं इन डॉग्स के बालों को बर्बाद कर दूंगी। मैं बिल्कुल रहम नहीं खाऊंगी, काटूंगी, बाल निकालूंगी। क्या मुझे करना होगा? हे, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। हाँ, हम काटेंगे, डाई करेंगे, उनके बालों को खराब कर देंगे। एक डॉग लाओ। चलो पप, तुम्हें नया हेयर कट मिलने वाला है। हेलो बच्चे, चलो तुम्हारा हुलिया बदलते हैं। कैंची से शुरू करें। इतनी छोटी कैंची इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये प्रूनर कब काम आएगा? वैसे हम इससे हेयर कट कर सकते हैं। इससे अच्छा आपके साथ हेयर कट करते हैं, मजा आएगा। क्या? अरे नहीं, वो क्या कर रहे हैं? कौन हो सकता है? चलो तुम जल्द से जल्द डॉग को छिपाओ। कौन है? पता नहीं। हे, क्या आपने हमारा नया वैक्यूम क्लीनर टेस्ट किया? सिर्फ 3,000 में। ये आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये सारी धूल गायब कर देता है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। खुद देखें। क्या आपको पास्ता सॉस के साथ पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद है। क्या मैं खा सकता हूँ? नहीं। चलो सोचते हैं कि फर्श पर दाग है। कहाँ? बिल्कुल यहीं। हे, ये तुमने क्या किया? शांत रहिए, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास 3,000 वैक्यूम है। ये पलक झपकते ही सब साफ कर देगा। गंदगी फैलाना बंद करो, तुम खुद को क्या समझ रहे हो? अपने इस वैक्यूम के साथ दफा हो जाओ। ओ, अरे हाँ, मैं प्लग लगाना भूल ही गया। रुको, क्या यहाँ कोई सॉकेट है? हाँ, मुझे मिल गया। थोड़ा इंतजार करो पपी, मैं बस अभी आया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। खैर, अब वैक्यूम चालू हो गया, तो क्या करूं? चलो साफ करो। ठीक है। और भी है, तुमने पास्ता छोड़ दिया, वहाँ केचप है, एक दाग यहाँ भी है। हे रिची, डरो मत, ये मैं हूँ, तुम्हें देखकर खुशी हुई। चुप रहना, मैं तुम्हें इन विलेंस के पास से निकाल कर ले जा रहा हूँ। अच्छे से करो। तुम्हें ज्यादा पता है तो खुद ही कर लो। हाँ, तो मैं तुमसे अच्छा कर सकती हूँ, ये बात लिख के ले लो। चलो रिची, ये तरीका काम कर गया। फ्यू। हाँ, तुम रिची नहीं हो, तुम किसके हो? चलो QR कोड देखते हैं। तुम्हारी ओनर तुम्हें ढूंढ रही है। ठीक है, हेलो, मुझे आपका डॉग मिला है। हाँ, तुम्हें पता है वैक्यूम सच में अच्छा है। हाँ? एक डॉग गायब है, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो।
तुम वैक्यूम क्यों कर रहे थे बेवकूफ? अरे हाँ, इसके पीछे वैक्यूम बेचने वाले का हाथ है। घिनौने आदमी। मेरा डॉगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो घर चले दोस्त। मैं इतना तो कर ही सकता था, मुझे रिची को वापस लाना है। हम एक और डॉग नहीं खो सकते। हम कल इस बारे में बात करेंगे, सोने का समय हो गया है। अब तुम्हें क्या हुआ? दरवाजा खोलो, मैं अलार्म चालू कर देती हूँ। चलो। कोई नहीं है। हे भगवान, अलार्म लगा है। मैं इसे कैसे पार करूं? जल्दी सोचो रे। ओ हाँ, ये तो डांस करते हुए पार कर दूंगा। बहुत आसान है। बढ़िया, अभी आराम नहीं कर सकता। ओ हाँ, ये तो बहुत ही आसान है। नहीं, ये आसान नहीं है। भागो, यहाँ कौन है? सायरन बंद करो, डॉग्स को चेक करो। सब ठीक है बॉस। ठीक है, गलत अलार्म बज गया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे एक आइडिया आया। आओ पपी, हम तुम्हें बदसूरत बनाने वाले हैं। क्या मुसीबत है? अब ये कौन है? खतरा है, शहर में डॉग्स का एक वायरस फैल रहा है। हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। क्या चल रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? सबको वैक्सीन की जरूरत है अभी। लेकिन परेशानी क्या है? हम बिल्कुल हेल्दी हैं। चलो देखते हैं। तुम ठीक नहीं हो, बहुत बुरा हुआ। मुझे भी चेक करो। अभी भी ठीक नहीं हो, तुम्हें अभी जांच की जरूरत है। जल्दी करो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। सांस मत लो, सांस लो। चलो तुम्हारी आंखों को चेक करते हैं। ये तीसरा स्टेज है। मुझे इसी समय कोई दवाई दो। बिल्कुल, ये लो। थोड़ा पानी मिलेगा। ये लो। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, हमें इस इंफेक्शन का कारण मिल गया। तो हमें इस खतरे को बाहर निकालना होगा। ये लो डॉक्टर, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तुमने लोगों को इस बीमारी से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काम बन गया। क्या अब तुम ठीक हो? क्या मेंटोस और कोक, हम फिर से उल्लू बन गए। तुम उसकी बातों में आ गए और अपना डॉग उसे दे दिया। फ्यू, मुझे नहीं लगता ये रिची है। देखते हैं तुम किसके हो। एक और खोया हुआ डॉग। ठीक है, हाय, मेरे पास आपका डॉग है। कोरा, तुम मिल गए। मैं तुम्हें जितना शुक्रिया कहूँ कम है। आखिर मेरा पप कहाँ है? देखो कौन है। पुलिस। खोलो। गुड आफ्टरनून, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं ये वार्निंग देने आया हूँ कि एक खतरनाक डॉग खुला घूम रहा है। वो अब तक 10 ओनर्स को काट चुका है। क्या तुमने इस डॉग को देखा? हमने नहीं देखा। वहाँ कौन है? जाओ उसे पकड़ो। घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। छिप कर रहो, सर नीचे। मैं देखता हूँ इसे क्या चाहिए। डॉग, तुम प्यार से हार मान लो। उसे खाना और हेलीकॉप्टर चाहिए। क्या तुम्हारी मूछें उतर रही हैं? ये कोई मजाक नहीं है मैम, आपको छिपना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, ये नकली गन है। और नकली पुलिस वाला? अरे नहीं, चलो जाओ इससे पहले कि हम असली पुलिस को बुलाएं। अब तो हद ही हो गई है। ओप्स, आग, कहाँ? अभी बिल्डिंग खाली करो। ओ, मेरी कमर। यहाँ कोई आग नहीं है। तुम पर झूठी खबर फैलाने का फाइन लगाया जाता है। क्या? बाहर निकलो अभी। ओ, हम तुम्हें एक अच्छा हेयर कट देने वाले हैं। चलो तैयार हो जाओ। रुको, मेरे पास नया आइडिया है। ये अच्छा प्लान है। क्या सच में? मुझे मेरा पति वापस चाहिए। क्या? रिची कहाँ है? अच्छा रिची, चलो।
तुम आखिर घर आ गए। क्या ग्रूमिंग शो में आपका स्वागत है। हमारी पहली कंटेस्टेंट है सैरा और उनका डॉगी रिची। मुझे मिल गया। सैरा, क्या तुम जीतने के लिए तैयार हो? हाँ? दूसरा पार्टिसिपेंट मेरे पीछे है। ग्रूमर्स की लड़ाई शुरू की जाए। वो क्या पपी है, ये तो और भी प्यारा है। और रनर अप है रे। मुबारक हो सैरा, तुम दूसरी रनर अप हो। और भी बेकार बात है। हमारे पास रनर अप और दूसरा रनर अप है, लेकिन विनर कौन है? मुझे मेरा डॉग वापस चाहिए, मुझे उसकी याद आ रही है। ठीक है, मेरे अनमोल रतन, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ लिया दोस्त। विनर है के, बधाई हो, ये सबसे बढ़िया है। शुक्रिया, मिलते हैं अगले ग्रूमिंग शो में। डैडी, हैप्पी बर्थडे। मम्मी, एक पपी। मुझे बस यही चाहिए था, हम बहुत खुश हैं। कोशिश भी मत करना, बहुत ज्यादा धुआं है। तुम्हें क्या चाहिए, मेरे घर से निकलो, शांत हो जाओ। एनिमल कंट्रोल, अभी आओ। तो मेरा क्लाइंट कौन है? क्या तुम हो? इधर आओ मम्मी, आराम से। ओह, हे ब्यूटीफुल, आई लव यू। बेवकूफ डॉग, बहुत अच्छे मफिन। मैं सब साफ कर देता हूँ, अपने गंदे डॉग को गुड बाय कह दो। नहीं, बाय पपी। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैंने कर दिखाया। ये लो बेबी, क्या तुम ठीक हो? हनी, आई लव यू मेरी जान। एव, डैडी, मॉम का क्या? सही कहा, ये रही। क्या खाना? खाना, खाना। जान, ये तुम्हारे लिए है। और मेरा कहाँ है? खाना, खाना। ठीक है, तुम्हारे सीरियल कहाँ है? खत्म हो गए। ठीक है, मेरे पास कुछ और है, न्यूट्रिशियस खाना दूध के साथ। बॉन एपेटिट, ये लो खाओ। एव, ये बदबू कैसी है? डैडी, चलो खाना बदल ले प्लीज। बिल्कुल बेबी, ये लो। शुक्रिया डैडी। एव, ये खाने लायक नहीं है। उप्स, बस थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, ये हुई ना बात। यम, तुम बहुत अच्छी शेफ हो जान। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, परफेक्ट। कौन आया है? चलो भी खोलो। ठीक है, आ रही हूँ। हाय, मुझे बस बाय। शांति, क्या हुआ? क्या तुम घर का सामान खरीदना चाहोगी? मेरे पास बहुत सारा अच्छा सामान है। मम्मी, ये सबसे बेस्ट है, इस ग्रिल। ये बच्चों को बहुत पसंद है, अगर आप ग्रिल खरीदेंगे तो आपको एक बॉल फ्री मिलेगी। और ये हमारा नया प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा टर्बो वैक्यूम। हे, तुम क्या कर रही हो? चलो इसको टेस्ट करते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ट्राई करके देखो। वाह, ये बहुत बढ़िया है। स्वीट हार्ट, हम क्या करें? मॉम, मुझे एक स्टोरी सुनाओ। बिल्कुल बेबी, एक बार ज्यादा समय पहले नहीं, एक सुंदर लड़की अपनी बुरी स्टेप मॉम के साथ रहा करती थी। इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ से जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये आपने क्या किया? चुपचाप बैठो, ये वैक्यूम तो सच में काफी अच्छा है,
मैंने सारी सफाई कर ली है। स्वीटी, हम एक पिकनिक पर जा रहे हैं, चलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी जैकेट को क्या हुआ? गंदे डॉग, ये तुमने किया है ना? तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। जाओ स्विमिंग करो। मफिन, क्या किसी ने मेरे पप को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। चलो, मेरा पपी। हे, क्या आपको पता है कि मेरा डॉग कहाँ है? प्लीज नीचे कमेंट में बताओ। क्या ये तुम्हारा डॉग है? मफिन, इसे फिर से ड्रेन में मत फेंकना। ध्यान से। मुझे पता है मफिन आ जाएगा। ये वही है। मफिन, तुम आ गए। प्लम्बर, बहुत बढ़िया, हमारा टॉयलेट बंद हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बेस्ट हो। बाय। आउच, वेदर कितना अच्छा है, कितनी तेज धूप है। डैडी, आप फ्रिस्बी खेलोगे? हाँ, तुम भी चलो। डैड, ये लो। ये अचानक से आई थी, पर मैंने तब भी पकड़ ली। जान, ये लो। पकड़ लिया। तुम तो बहुत तेज हो। तुम्हारी बारी। डैडी, पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ। ये लो बेबी, ये मुझे दो। हे बेबी, क्या तुम उसे फेंकोगी या नहीं? फ्रिस्बी, ये लो। ओह नहीं नहीं नहीं। डार्लिंग, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। उसे वहीं होना चाहिए। तुम, मम्मी, भागो। मेरे मफिन, तुम कितने प्यारे हो। ये ट्राई करोगे? ये तुम पर अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरे पास तुम्हारे डॉग के लिए कुछ है। वाह, लाजवाब। अभी और भी है। ये देखो, ये एक्सेसरी इस सूट को पूरा करेगी। थ्री टू वन, लिफ्ट ऑफ स्पेस शटल अटलांटिस। प्रेसिडेंट होने के नाते मैं मफिन डॉग को स्पेस फ्लाइट के लिए नासा का कमेमोरेटिव मेडल अवार्ड देता हूँ। ये मेरा मफिन। अब कौन है? आपकी बेटी के लिए एक पार्सल है, यहाँ साइन करो। हे, सरप्राइज, मफिन वापस आ गया। मेरा पपी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो ये तुम हो? जो भी है, एक्सप्रेस डिलीवरी। हे, ये पार्सल डिलीवरी करो, ये इमरजेंसी है, जल्दी करो। बाय। शानदार, बैठ जाओ। चलो भी मफिन, बैठो। बेवकूफ, मुझे इस काम के लिए कोई अच्छा ट्रेनर चाहिए। हे डॉग हैंडलर, आ जाओ। गुड आफ्टरनून, मैं डॉग हैंडलर हूँ। आओ तो आ जाओ, आपका स्वागत है। ये रहा हमारा मफिन। पपी, तुम बहुत अच्छे हो, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया मफिन, नीचे लेटो। गुड बॉय। अब फिर से ट्राई करते हैं। पॉ मफिन, बहुत अच्छे, ये काफी मजेदार है। बहुत अच्छे मफिन, उफ, ये तो मजेदार है। तुम सुनो, बैठो। गुड बॉय। पॉ, बहुत बढ़िया, नीचे। गुड बॉय।
अच्छा से रहो, बॉल पकड़ो। आउच। जाओ पकड़ो। ओ नहीं नहीं नहीं, बैठो। गुड बॉय, तुमने अच्छा किया, इसके लिए तुम्हें ट्रीट मिलेगी। बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफी है। एक बॉल, ये बदबू कहाँ से आ रही है? आपके घर पर एक वायरस मिला है, ये क्या हो रहा है? अब समझी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्वारंटाइन होना होगा। नहीं, मुझे बाहर निकालो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? सबसे अच्छी रेमेडी है गार्लिक। मुझे जाने दो, मैं ठीक हूँ। अपनी एलर्जीज के मजे लो। हे बेबी, तुम कौन हो? ये मैं हूँ मॉम। जान, मैं घर आ गया। ओ, तुम गार्लिक कैप्सूल में क्या कर रही हो? मैं अपना बदला लूंगी। ओ, ये क्या है? इतनी गुदगुदी क्यों हो रही है? यहाँ कोई है? मदद करो। जाना होगा। हाँ, मेरे स्नैक्स कहाँ हैं? ये किसने लिए? तो ये तुम खा रहे हो? तुम अब मुझसे नहीं बचोगे। जाओ। मैं ये नहीं देख सकती। स्वीट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। ओ, डिनर खत्म हो गया। तुम क्या कर रहे हो? डॉग की शादी? तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था, तुम्हारी डेट अब खत्म हो गई। अब मैं सबसे थक गई हूँ। क्या मुझे तुम्हारी पिक्चर मिल सकती है? तुम क्या कर रही हो? तुम अच्छी लग रही हो। मैं वैम्पायर्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? ओ, जरूर, मैं वैसे भी पॉपुलर हूँ। आओ, मैं तुम्हें टूर करवाती हूँ। मेरा हस्बैंड, ये बहुत अच्छा है। खैर, ये रहा मेरा पसंदीदा खाना। ये मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है, इसे छोड़ो। क्या ये कोई मैजिक बुक है? ओ, एक आइडिया है। क्या ये सच है कि एक वैम्पायर एक बैट में बदल सकता है? आसान है, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया बेवकूफ। मेरे पास तुम्हारे लिए क्लाइंट है। तुम ब्लड सकर, इसे मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया। हनी, मैं कहाँ हूँ? डैडी, ओ मेरी डॉटर, ओ मेरा पपी, मेरी फैमिली। ये कौन है? पास से देखते हैं। यम। ठीक है, एक और फैमिली के पास चलते हैं। ये कौन है? पार्टी खत्म हो गई। छोड़ दो। क्या? बाय। मेरे बलून्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी खराब करने की? मुझे तुम पर प्यार आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम रहोगे भी, मैं तुम्हारी नई मॉम हूँ बेबी। ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट, खाओ थोड़ा। तुम्हारा थोड़ा, मेरा। अच्छी खुशबू है, इसे साफ करना होगा। क्या करूं? हाँ, ये चलेगा। नाइस। ये आपने क्या करा?
उसे खराब कर दिया। मॉर्निंग, ये बियर को क्या हुआ? उन्होंने करा है, ये मैंने नहीं करा, झूठी। हेलो दोस्तों, कमेंट में बताएं ये किसने किया है। खोलो, क्या है? आज मेरा दिन है, प्यारा है लेकिन लापरवाही नहीं। मॉम, आखिरकार। बेबी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या ये अभी भी यही है? विलन ने मेरा बेयर खराब कर दिया, उसे अफसोस होगा कि उसने ऐसा किया। मैं तुम्हें नया टेडी दे दूंगी, बस बहुत हुआ। मुझे पता है, मैं टाइम आगे कर देती हूँ ताकि ये मदर डे खत्म हो और तुम्हें पता भी ना चले। शानदार, स्टेप मदर डे का इंतजार नहीं हो रहा, अब मेरा वक्त है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं अभी यहाँ आई हूँ, कितनी बदतमीज है। ऑफिसर जल्दी आए, मेरी बच्ची खतरे में है। क्या परेशानी है? बच्ची कहाँ है? गलत जगह आए हो, मैं आपका बैच देखना चाहती हूँ। मॉम, बेबी तुम ठीक हो ना? मेरा पुलिस बैच, प्योर सिल्वर। हाँ, ये मजेदार रिस्पॉन्स है, मुझे हर तरफ देखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शुरू नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, अभी तक तो सब ठीक है, प्यारा घर है। क्या? मैं लंच के लिए आई हूँ। नहीं, आंखें बंद करो, ये जल रहा है, इससे छुटकारा पाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कसम खाई थी, मैं एक ऑफिसर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो। शॉन, क्या तुमने वो देखा? क्या? हे बेबी, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मुझे लगता है कुछ जल रहा है। कोई बात नहीं, आप पर मेरा पूरा ध्यान है, मैं खाना बनाता हूँ। कितना ख्याल रखता है, अभी भी यहाँ है। बाय मॉम, मैं फिर आऊंगी। बेबी, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, गंदा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हे भगवान, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं। हम कहाँ थे? हॉट टी काम आएगी, मैं टेम्परेचर देखना चाहता हूँ। एम्बुलेंस को किसने बुलाया है? जल्दी चलो डॉक्टर, जान डॉक्टर आ गई। ये कैसी स्मेल है? फ्रेश ब्लड। डॉक्टर मैं मदद करती हूँ, आप अंदर जाओ। मैं कितनी लकी हूँ, मुझे भूख लगी है। हे बेबी, ये मैं हूँ, मॉमी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तुम घबराई हुई लग रही हो, तुम्हारा भी टेम्परेचर चेक करती हूँ, सिर्फ यही तुम्हें ठीक कर सकता है। चिंता मत करो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये रहा, मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम एक डॉक्टर हो? मैं एक असली डॉक्टर हूँ, कहो आ। पकड़ लिया, अभी हमारा काम नहीं हुआ है, तुम्हें एक गार्लिक एक्सट्रैक्ट एनेमा दिया जाएगा। मॉमी, मॉमी, भागना थका देता है, ये अच्छा है, तुम किसी भी तरह नहीं बच सकती। उप्स, बुरा हुआ। उप्स, मेरा ये मतलब नहीं था। तो ये तुम हो, यहाँ से निकल जाओ, मैं वापस आऊंगी। ये मेडल मेरा होना चाहिए, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, गोल्ड नहीं। जीतने वाले को सिल्वर मेडल मिलेगा। बहुत अच्छा, मैं घर आ गई। हे, तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाय, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है,
ये रहा, ये काम कर गया। कुछ जल रहा है। अरे नहीं, जल रहा है। कुछ करो। घबराओ नहीं, मैं मदद के लिए यहाँ आई हूँ। ये लो रिफ्रेशिंग गार्लिक शार। क्या परेशानी है? क्या पानी खत्म हो गया है? कितनी लापरवाह है। मैं वापस आऊंगी। तुम यहाँ किस लिए आई हो? हे, तुम बेल बजाना भूल गई। जब हम बच्चे थे तब हम दोस्त हुआ करते थे। मैं हूँ तुम्हारी फिफ्थ कजन। कजन? खैर बिल्कुल स्वागत है। ये लो कजन, तुम्हारी बहुत लंबी ट्रिप रही होगी। तुम कितनी अच्छी हो। क्या तुम्हारा खुद का तय खाना है? स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। हे भगवान, अब मैं थक गई। बिल्कुल, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाती हूँ। ये कौन है? हे बेबी, ये मैं हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। चलो, ये मेरे हस्बैंड है। मैं तुम्हें उससे बाद में मिलवाऊंगी। बाद में? अच्छा है। मेकअप अभी भी ठीक है। ये मिरर में दिख रही है या मुझे लगा? कजन, मेरे पास एक आरामदायक जगह है सबसे प्यारे मेहमान के लिए। एक बिस्तर। मुझे अब नींद नहीं आ रही है। अच्छे से सोना स्वीटी। बाय। तुम बहुत रोमांटिक हो। डैड, तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है मेरी जान। डैड, मैं बिजी हूँ। डैड बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, मतलब लड़ाई होने वाली है। मैं सब खराब कर दूंगी। हे भगवान, क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आया हो। मेरी वाइफ ने देख लिया तो? कोई गेम्स नहीं, ये माफी के लायक नहीं है। हे, क्लीनिंग सर्विस से बात हो रही है? इतनी जल्दी आ गए? हे, फोन पर बहुत सारे जर्म्स हैं। यहाँ बहुत काम है। मैं सब साफ कर दूंगी। तुम बाहर जाओ। बाहर तुम ठीक रहोगे। शुक्रिया, ठीक हो जाओ। सबसे पहले एक गंदी वैम्पायर के सामान से छुटकारा पाना होगा। एंटी वैम्पायर वाइप के लिए गार्लिक वाटर रखते हैं। हमें और लाइट चाहिए। हम बहुत अच्छी फैमिली हुआ करते थे। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। काम पर फोकस करना होगा। अब रसोई का समय है। गोल्ड फॉक्स, ये पुराने हो चुके हैं। इन्हें सिल्वर कटलरी से बदलना होगा। अब जाना होगा। कोई इसे कैसे खा सकता है? गेट खुल के नहीं रहा। देख कर चलो, फ्लोर गीला है। तुम क्या कर रही हो? सफाई। कितनी गंदी बदबू आ रही है। गार्लिक, मैं यहाँ नहीं रह सकती। एयर फ्रेशनर। एक मिनट, ये भी गार्लिक है। मेरे बेड को क्या हुआ? ये क्या है? मेरा सामान। बहुत हो गया मजाक। बाय जान, हमें देर हो रही है। शुक्रिया, बधाई हो। मैं आज से तुम्हारी बेबी सिटर हूँ। मैं आज तुम्हारी देखभाल करूँगी। ख्याल रखना। बाय बेबी, हम बहुत मजे करेंगे। रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बेबी, तुम कहाँ हो? क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रही हो? बताओ।
यहाँ हो। अजीब है, वो यहाँ भी नहीं है। तुम अब मुसीबत में हो। ये मैं हूँ। मॉमी, अच्छा हुआ आप आ गई। माफ करना, मेरा विग अभी नहीं मिल रहा। मुझे एक जादुई बुक मिल गई। हम इंतजार नहीं कर सकते। विग सच में मायने रखता है। ये नोट बहुत मजबूत है। तुम्हारा विग, यहाँ क्या हो रहा है? हम टी पार्टी कर रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं। जरा रुको, तुम्हारे पैसे। मदद करके खुशी हुई। बाय। ये बुक जरूर मेरे काम आएगी। इसे मत खोलो। ठीक है, इसे मत खोलो। एक आखिरी वार्निंग, मैं इसे खोलूंगी। अभी बंद करो। हे भगवान, ठीक है खोलो, लेकिन पहले लाइक करें और बेल बटन दबाएं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं बुक खोल सकूं। कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं वापस आ गया। ये बुक काम की नहीं है। इसने क्या कहा? क्या किसी वैम्पायर ने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया? हाँ, क्या वो आपके बच्चे को चोट पहुंचा रही है? हाँ बिल्कुल। क्या कोई मदद नहीं मिली? खैर, बिल्कुल सही कहा। मैं सब संभाल लूंगा। इस नंबर पर कॉल करें और हमारा वैम्पायर हंटर बचाने के लिए आ जाएगा। अभी मिलाती हूँ। आगे बढ़ो, वो वहाँ है। मैं देखता हूँ। क्या तुम वापस आ गए? मैं अकेली नहीं हूँ। शूट, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। विन हॉल्से, बाय बाय। पकड़ लिया। हाँ, हमने कर दिखाया। अच्छी बच्ची, मैं जीत गई। यहाँ क्या हो रहा है? ये तुम हो? अरे नहीं, वेन हेल्सिंग गायब हो जाओ। हाँ, वो कहाँ गया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हमें जादू खत्म करना होगा। मेरा सिर, तुम ठीक हो ना? स्वीटी जान, मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे भूख लग रही है। हे, क्या क्रॉसबो दिख रही है? नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे जाने दो। एक प्लेग्राउंड। ओह, सही समय पर आए हो। मुझे भूख लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। मेरी फिश के साथ खेलने के लिए तैयार हो? क्या ये पिरानाज है? ही, तुम मेरे साथ आ रही हो? क्या? उप्स, रुको, फेंसी को वैम्पायर ने किडनैप कर लिया। मैं बचा नहीं पाई। मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। ऑफिसर डोबी, एक वैम्पायर ने एक बच्ची को प्लेग्राउंड से किडनैप कर लिया है। पुलिस आ गई। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ये मैं हूँ। मुझे लगा कोई क्रिमिनल है। हमें सबूत मिटाने से पहले उसे पकड़ना होगा। वो एक डरावना मॉन्स्टर था। उसके फैंस बहुत बड़े थे और बहुत बड़े बॉस। उसने उस बेचारी लड़की को किडनैप कर लिया। क्या वो ऐसा दिखता था? मामा मिया, बस करो, ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। उफ, वहाँ कोई नहीं है। प्यारा घर, अब मैं आराम कर सकता हूँ। बढ़िया है,